हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो दोस्तों आज करेंगे हम इस वाले पेड़ को प्रून। ये आप देख सकते हैं फिलहाल कैसा दिख रहा है, ये मल्टी लीडर है, पहले से ही ऐसा है। तो अब इसमें पौधा तो ये बनने से रहा, जितना ये है उतना ही इसको थोड़ा इसमें ग्रोथ कर देंगे, अगर इतना बड़ा भी ये नहीं है तो भाई मल्टी लीडर ही इसको रहने देना पड़ेगा। तो इसकी प्रूनिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला लेना है, ये काफी आगे आ चुका है अब। तो इसको यहाँ से मैंने इसे रोक दिया, इसमें काफी बड है पीछे और इस वाले को टहना बनाएंगे। ये जा रहा है काफी दूर, तो आप बोलेंगे कि इसको ज्यादा काट दिया। ये आप देख सकते हैं जब इसमें सेब लगेगा ये घास में टच हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से रोक दिया और इसे रोक दिया यहाँ से। उसे वहाँ बीज पे डाल देंगे, एक इनमें से मैं निकाल दूंगा। और यहाँ दे देंगे इसमें हेडबैक, इसी का है ये दूसरा टहना। तो इसको यहाँ बीने से मैं कट देता हूँ और ये यहाँ से इस तरह से कर दिया, यहाँ इसको यहीं से मैंने रोक दिया है और ऊपर इसको वीक में डाल देते हैं। वहाँ पर बड़ है, ये सेब वाला लग रहा है और इसको मैं निकाल दूंगा। इसको भी हमने अब मल्टी लीडर है तो टहना बनाना ही पड़ेगा, ये सब मैं इसमें निकाल दूंगा और ऊपर इसमें हेड बैक दे देंगे। ये टहना है इसमें अंदर को, तो इसे मैं यहीं से रोक दूंगा, यहाँ पर इसमें बड है। और ये टहना है बाहर के लिए, तो अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल इसे रोक दूंगा। यहीं से मैंने इसे रोक दिया, यूज़ होता है इसमें बनाना है। ये है कलम ग्राफ्टिंग की हुई, तो अब ये इसकी कटिंग नहीं की 2 साल, तो अब मैं इसे यहाँ थोड़ा सा नज़दीक आके इसमें कट कर दूंगा ताकि ये थोड़ा ग्रोथ में और आए। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल गलत टहना है, तो मैं इसको यहीं से रोक दूंगा। इस तरह से यहाँ बड है, इसे मैं यहाँ से रोक दूंगा, इसे यहाँ से। यहाँ पर है रिंग बनी हुई, ये अंदर बिल्कुल गलत टहना है, उसमें शायद सेब लग जाए तो वो झुक जाएगा ये वाला टहना। और ये भी है गलत टहना, तो इसे मैंने यहाँ से रोक दिया। फिलहाल इसमें रिम कट सब किए है, तो इनको मैं बीने से ही निकाल दूंगा इस तरह से। ये देख सकते हैं ये गलत रख दिया था यहाँ पर, ये अंदर जा रहा है उस स्ट्रॉन्ग में, तो इसको मैं पीछे से ही निकाल दूंगा। आप ये है तो साइड में है, पर ये ज्यादा वेट नहीं ले सकता, तो मैं इसको यहाँ से पार, ऐसे भी ये घास में टच हो जाएगा, तो मैंने इसे रोक दिया। हमारा मेन टहना है वो ज्यादा अंदर स्ट्रांग है, तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। इसे मैं यहाँ से रोक दूंगा, इसको थोड़ा पीछे करना है। ये भी है गलत, तो यहाँ पर रिंग है, पहले ये इतना सब बीमा था, तो उसके बाद और इसमें ऊपर वीक में डाला, ये फिर भी यहाँ आ गया हल्का सा बीमा। इसे मैं यहाँ से इस तरह से कर दूंगा, ये भी है सेकेंडरी टहना, इसको भी अब यहाँ से जब भी आज कट लगाए तो वो तिरछा लगाए ताकि जो पानी जाने के चांसेस ना रहे। इसमें आप देख सकते एक टहना है अंदर, इस तरह से ये टहना है, तो सबसे पहले तो इसे मैं निकाल दूंगा यहाँ से, इसे निकालेंगे हम बीने के बाद से। ये है वो अंदर के लिए टहना, तो इसे मैं यहाँ पर, ये बीमा था, बीमे से ये निकला, तो मैंने यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ से काट दिया है रिंग से, तो यहाँ से ग्रोथ में नहीं आएगा। और ये भी है अंदर वाला टहना, तो इसको मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीमा है, तो मैं ये ऊपर का मैंने निकाल दिया, उस बीमे को रख दिया है। वैसे आगे से इसे ले जाना है, ग्रोथ में ही ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो
देख सकते हैं आप, ये वाला टहना हो चुका है और ये टहना है बिल्कुल ही गलत। इसमें ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल गलत है ये टहना। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, और ये टहना या तो हम इसे रख सकते हैं या फिर इसे रख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपस में टच हो रहे हैं और ये भी यहाँ से गलत आया है टहना। आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ा है ये टहना, तो इसे हम यहीं कहीं से इस तरह से तिरछा कट इसमें करेंगे और इसे रोक देंगे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उस वाले को टहना बना देंगे क्योंकि ये यहाँ से टूट गया है, फिर उसको ऊपर बना रहे हैं, पता नहीं वो चलता है नहीं चलता है, कोशिश करेंगे। तो इसको यहाँ से इसे निकाल दिया मैंने, और बाकी इसमें वाटर ठीक है। ये वाला जो टहना है ये देख सकते हैं आप, ये अंदर को जा रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर बड़ी ये सेब वाला लग रहा है, तो मैं इसे यहीं से रोक दूंगा क्योंकि ये अंदर की साइड को है, पेड़ के बीच में जा रहा है, इसको यहाँ से रोक दूंगा, इन्हें मैं रहने दूंगा क्योंकि ये बीमे ही है, ये जा रहा है अंदर, तो इसे मैं निकाल दूंगा और आगे से इसे कर दूंगा मैं सिंगल। इसमें दे दूंगा मैं हेडवैग क्योंकि इसे हमें टहना करना है, बाकी ज़्यादा इसमें नहीं करना। ये वाला टहना भी हो चुका है, ये है यहाँ पर कलम ग्रोथ में है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ना ही इसमें आगे कोई बीमारी है। तो ये यहाँ बीमा दिख रहा है आपको, इसे मैंने काट दिया, इसीलिए यहाँ बीमे से काट दूँगा। अगर ये और भागता है तो अगले साल इसको दोबारा से कट कर लेंगे। यहाँ से इसे भी बनाना है टहना, इनके बीच में है ये, तो इसे लीडर अगर बन जाएगा, वैसे तो यहाँ से टूट जाएगा पर शायद तब तक फिल हो जाए। तो यहाँ से इसे मैंने रोक दिया क्योंकि अंदर ये टहना है, यहाँ भी ये गलत है। वैसे और भी यहाँ से इसे रोक दिया मैंने, और ये है अंदर के लिए टहना, तो यहाँ बीमा है आगे, वहाँ से मैंने उसे रोक दिया। ये टहना है बिल्कुल ही गलत। यहाँ रिंग आप देख सकते हैं, ये पहले ऊपर गया था, फिर यहाँ पर रिंग, ये रिंग है मतलब, यहाँ पहले बीमा था, बीमे से फिर ये भागा, फिर इसे ऊपर वीक में डाला, और हम इसे दोबारा यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ पर जो बड फॉर्मेशन है वो हो जाएगी, उसे मैं वहाँ से निकाल दूंगा। इसे थोड़ा अंदर को है, वैसे रखना तो इसे नहीं चाहिए था। ये वाला टहना देख सकते हैं आप, ये यहाँ से है, तो मैं इसे यहाँ से रोक दूंगा। इतने बीमे इसमें काफ़ी है, और सेटिंग भी होगी, फिर ऐसे इसमें सेटिंग भी नहीं हो रही, ये भी है गलत डायरेक्शन में, तो इसको भी हम यहाँ से इस तरह से तिरछा का टाप लगाए, और बाकी हमें आगे नहीं छेड़ना है। ये भी देख सकते हैं आप, ये टहना है अंदर को, तो इसको यहाँ बीमा है, यहाँ से मैंने रोक दिया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये भी है, इसे भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, इसे भी देख सकते हैं, इसे मैं रोक दूंगा बीमे के पास से, और ये टहना जा रहा है अंदर, वहाँ बट है या तो शायद वहाँ लग जाए सेब। इस तरह से इसमें देख सकते हैं आप, आगे आप तीन हैं, ये सेब भी यहाँ से इस तरह से, ये टहना अंदर जा रहा है, इसे निकाल दें, इसमें थोड़ा बाहर से इस तरह से, था ये बीमे से, फिर ये ग्रोथ में गया था, तो इसे तो मैं निकाल ही दूंगा, ये बिल्कुल ही रॉन्ग टहना है, थोड़ा ऊपर से यहाँ कट किया वहाँ, उसे निकाल दूंगा मैं, और ये भी है गलत डायरेक्शन, तो यहाँ से वो वाला बीमा है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ इसे निकाल दूंगा मैं, और आगे से इसे नहीं लाना है, यहीं से मैं इसे रोक दूंगा क्योंकि ये गलत है डायरेक्शन इसकी। ये सिंगल टहना बनेगा, ये बहुत ज़्यादा,
ये भी इसमें रॉन्ग है टहना, तो इसे भी हम कहीं ना कहीं से रोकते हैं। यहीं से मैं इसमें इस तरह से तिरछा कट लगा दूंगा, बिल्कुल फाइन कट आप लगाए, इस तरह से रोक दिया गलत डायरेक्शन में, इसको मैं यहाँ से रोक दूंगा क्योंकि टहना ये यहाँ से इस तरह से है, फिर यहाँ ऐसे कर दूंगा इस तरह से, इसे भी हम यहाँ बीबे के पास से काट देंगे। ये टहना जा रहा है अंदर तो इसको निकाल देंगे, काफी स्ट्रांग भी हो गया, थोड़ा बाहर से इसको मैं काटूंगा इस तरह से, वाला टहना भी हो गया है। तो यहाँ इसे यहाँ से वाला बीमा है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल रॉन्ग टहना है ये। तो ये यहाँ से आप देखेंगे अब धूप के लिए भी अंदर जगह बन जाएगी, और इसे मैं यहाँ से रोक दूंगा। ये हो गया ये हमारा, ये भी हम इतना दूर नहीं चाहिए, तो यहीं से मैंने इसे रोक दिया। यहाँ मैं इसे फिलहाल वीक पे डाल देता हूँ, ऐसे इसे निकाल के फायदा, क्योंकि बिल्कुल खड़ा है ये, इसको मैंने यहाँ से रोक दिया। एक में निकाल दूंगा, यहाँ दे दी इसमें मैंने हेडवेक, ये टहना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला टहना बिल्कुल अब घास के साथ लगने लग गया है, तो घास से इसे टहने को आप दूर ही रखें। इस तरह से आप इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अब अगर इसमें 4-5 सेब भी लगेंगे तब भी ये पार टच हो जाएगा, तो इसे मैं नहीं जड़ूंगा, कोई भी कटे यहाँ नहीं मारना है मेरे को। और ये टहना आप देख सकते हैं, ये भी है बिल्कुल रॉन्ग, तो इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं। और ये भी काफी स्ट्रांग हो रहा है, और यहाँ से ये बीमे से भागा था, तो इसको मैंने यहाँ पर रिंग से काट दिया। उसके बाद उसमें है दो टहने, उन्हें ऊपर से ही काटेंगे। पेड़ है दोस्तों जिसकी पुनी कम कर रहा है, ये रह गए इसमें 2-3 टहने। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीमा स्ट्रांग है, बाहर को है ये, तो इसको मैंने यहाँ से काट दिया। यहाँ पर बहुत सारे बड बन गए हैं, इतने नहीं चाहिए, नीचे भी बड है, इसमें यहाँ भी बड है, 2 बड भी अगर इसमें टिक जाएंगे, इतनी पावर इस पेड़ में है अभी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे बीमे बना देंगे तो आपके सेब लग जाएंगे, थोड़ा आपकी जो बॉडी है पेड़ की वो भी उस लायक होनी चाहिए। तो इसको यहाँ रिंग था, मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ ताकि यहाँ बीमा बन जाए। ये है वीक टहने, तो इसको मैंने छोड़ दिया, वहाँ सेब वाला बीमा है, ये है काफ़ी दूर, और तो इसलिए मैं यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ, वीक पे डाल दिया। बाहर है नहीं तो इसको निकाल देना था, ये देख सकते हैं आप, ये है अंदर का टहना, तो इसको निकाल दिया। इन पिन को भी मैं निकाल दूंगा, आप चाहे तो रख सकते हैं, अगर आपकी बीमा नहीं है थोड़ी बाहर से आप इन्हें इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। और आगे से इसको भी मैं निकाल दूंगा, यहाँ से इसे सिंगल कर देंगे, यहाँ पर इसमें हल्का सा हेडवेक मैं दे दूंगा। तो ये वाला टहना भी हो चुका है, ये भी अंदर है, पर इसमें आगे बीमा मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने इसको नहीं काटा। ये है 2 टहने, और ये बड़े वाला टहना वो आप देख सकते हैं नीचे से गलत जगह से काटा गया है, तो कभी भी टूट सकता है, पर ये चल रहा है, तो इसको चलाते हैं उस टहने को। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ इस तरह से है, तो यहाँ से ये से वाला बीमा लग रहा है, तो मैंने इसको कट कर दिया। यहाँ से इसे निकाल देंगे, आगे इसमें भी दे देंगे हम थोड़ा सा हेडबैक इस तरह से। वाले को हम दोबारा से बना रहे हैं, वैसे नहीं बनाना था क्योंकि वो वाला टहना शायद टूट जाए, तो इसको भी
आगे से सिंगल कर दिया है इस तरह से। ये इस तरह से दो तीन टहने इसमें मोटे निकले, आप पर ये देख सकते हैं, पर वो जरूरी थे क्योंकि वो बिल्कुल खड़ा था वहां से, ना इस टहने को ताकत मिलनी थी ना उसको, और बाहर से वो ओवरलैप करना था। ये भी है इसी तरह का टहना, इधर ऊपर आ रहा था यहाँ से, ये इसने इसको प्रॉब्लम करनी थी और शायद टूट जाता अगर एक दूसरे के ऊपर ही आता। तो इस तरह से काफी लीडर इसमें है, इतने सारे आप देख सकते हैं। वैसे पेड़ में एक लीडर होना चाहिए, इसमें बहुत लीडर बन चुके हैं। और बट की बात करें तो बट इसमें काफी है, अगर आप देखे इतने टहने में बहुत बट है। और दूर से इसमें जो सन है जा सकता है, और सेटिंग भी इजीली हो जाएगी, जो मक्खियां होती है उनके जाने के लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ बस ये टहना ऊपर रहा एक, इसको काटते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से टूटा है, दोबारा इसको ऊपर बना रहे हैं। तो यहाँ से टूट गया था, इसमें टहने भी निकाल दिए, यहाँ टहना निकाल दिया, यहाँ टहना, यहाँ टहना। तो ये मोटा हो जाए तो शायद ग्रोथ में आ जाए। ये इसमें एक दो कलम भी है, शायद फूल गए। तो इस पेड़ के लिए सेटिंग अच्छी इसमें हो जाएगी। बीमा इसमें सिलेक्टेड बीमा है, इतना इसमें नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।